तरवा मंगरपार के हाई स्कूल में जो बूथ है उसको उसमें डिस्टर्ब करने की कोशिश की गई कुछ लोगों के द्वारा, और ईंट और पत्थर चलाए गए। करीब 100-150 की संख्या में लोग आए और मुख्य उद्देश्य था कि लोगों को वोट देने से रोका जाए। कई लोग इसमें घायल भी हुए हैं और जिनका इलाज चल रहा है। पुलिस अब काफ़ी संख्या में पहुंच गई है यहाँ पर, हालांकि अब वोटिंग शुरू हो गई है, लेकिन इससे दहशत कुछ फैली है और जिसकी वजह से लोगों का कहना है कि वोट जो पड़ने वाला था वो थोड़ा डिस्टर्ब हुआ है। हालांकि स्थानीय लोगों का कहना है कि जो लोग अटैकर्स आए थे वो इस गांव के नहीं थे, बगल के गांव के थे, उनका बूथ भी नहीं था, लेकिन उनका मुख्य उद्देश्य वोटरों को वोट डालने से रोकना ही था। सारण लोकसभा के मंगलपाड़ स्कूल में जो बूथ है उस पर भारी हंगामा हुआ और मतदान थोड़ी देर के लिए डिस्टर्ब करने की कोशिश की गई, लोगों को रोका गया, कई लोगों को चोटें भी आई हैं। हालांकि अभी कुछ सामान्य हुआ है, पुलिस यहां पर भारी संख्या में पहुंची है, लेकिन हमारे साथ कुछ घायल लोग हैं, इनसे बात करते हैं कि क्या क्या हुआ था। अरे हम तो बूथ पर से गए इधर, माने बूथ पर घर खाना खाने जा रहे थे टिफिन इंटरवल में, तो इधर से अति पत्थर इतना इतना बड़ा 200-300 के तादाद में लोग थे, अब पत्थर चल रहा था। हमने कहा कि भाई काहे पत्थर चला रहे हो, तो पत्थर मार गए, हम गिर गए, लेकिन कुछ अति दूरी पर से भागते भागते अपना पोलिंग एजेंट हैं, हाँ पोलिंग एजेंट हैं, खाना खा के मैंने खाना खाने के लिए गए, हाँ हाँ। तो सर हम खड़ा थे आगे वहाँ रोड पे और आया और बांस से मतलब इसे ईंटा से बहुत मारा। क्यों चला रहा था क्या करता? पता नहीं, हम तो वहाँ पे मतलब उधर से आ रहे थे, वहाँ पे पहुँचे तो देखे कि हो रहा, तो वहाँ पे खड़ा थे और मारने लगा। अच्छा, बूथ पे कोई दिक्कत यहाँ पर? बूथ पर हम लोग तो वोट गिराने आ रहे थे सर, वहाँ इधर से लोग गया है, टाकिया है, पूरे पत्थर रोड़ा लेकर चलाया, 50 आदमी के लगा है चोट, बहुत लोग तो हॉस्पिटल में गया है सर, मुझे भी पिट्ठी पर लग गया है चोट, इतना बड़ा बड़ा पत्थर लेकर चलाया है पूरे। जो दरिहारा के कुछ लोग आया था, यात्री लोग जो रोड पर जा रहा था लोग, उसको भी पकड़ के मारा है लोग। क्या मतलब क्या क्यों मारा? अभी इसका मकसद तो वो लोग ना बताएंगे क्या, क्यों पत्थर चलाया, क्यों उनका मकसद डिस्टर्ब करना हुआ कि वोट नहीं गिराए। अच्छा, बूथ पे भी कुछ, बूथ पर कोई डिस्टर्बेंस? यहाँ बूथ पर कोई डिस्टर्ब, बूथ के अंदर कुछ नहीं, लोग से यहाँ पर यार लोग हैं, बूथ के अंदर कुछ नहीं, जो हुआ है हम लोग तो देखे नहीं गए, बूथे पर से बाहर हुआ होगा तो देख ले, हम लोग बूथ पर कोई शांति व्यवस्था वहाँ पे डिस्टर्ब किया है लोग। तो बूथ पे कोई डिस्टर्बेंस नहीं हुआ है, लेकिन मतदाताओं को यहाँ आने से रोका गया, पत्थरबाजी हुई और कई लोग, बताया जा रहा है कि दर्जनों लोग इसमें घायल हुए हैं। पुलिस भारी संख्या में यहाँ पर पहुँच गई है और मतदान केंद्र पे अब मतदाताओं का आना जाना भी शुरू हो गया है, लेकिन कुछ देर पहले तक यहाँ स्थिति काफ़ी भयावह थी। कैमरामैन नदीम आलम के साथ सुजीत कुमार झा, सारण।